ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसी रीडिंग लेके आए हैं जिसको आप सब ने बहुत पसंद किया था, और वो थी पिछली बार हमारी अप्रैल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। अभी इसी तरह हम मई की रीडिंग्स लेकर आए हैं कि मई में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में होने के। सो हम उसको इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आप नाम राशि, अपनी जन्म राशि जो है यानी कि सन एंड मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जिससे आपको रेजोनेट होता है, जिससे आपकी सटीक भविष्य बैठता है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो ये रीडिंग हमारा आज का मेन होगा और ये जनरल रीडिंग होगी, ज़बरदस्ती इसको थोपने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी ये रीडिंग बैठती है आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। और दूसरी एक बात जो मुझे कहना है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर करा करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करा करें। और ठीक है फ्रेंड्स, सो जल्दी से अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, देखते हैं फ्रेंड्स कि आप के लिए मई महीना की सबसे बड़ी क्या भविष्यवाणी दिख रही है, क्या दिख रहा है मई मंथ में आपके लिए, कि क्या आप करने वाले हैं, क्या एनर्जी में रहेंगे, क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड निकालेंगे नाइन ऑफ कप्स का, जो कि है विशेस की फुलफिलमेंट का, जो हम जिंदगी में चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारी एक सोच होती है एक गोल तक पहुंचने की, वो दिख रहा है मई महीने में। हम इसे क्लैरिफाई करेंगे बाकी के कार्ड से। सबसे पहला है एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे एक्वेरियस एक चीज़ नज़र आ रही है इन कार्ड्स में, और वो ये दिख रही है कि आप मई महीने में जिस चीज़ को लेकर शायद बहुत ज़्यादा श्योर थे अपनी लाइफ में, या आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस था, थाउजेंड परसेंट कॉन्फिडेंस था कि आपको ये पर्सन या ये काम या ये जॉब या जो भी एक चीज़ थी, ठीक है, अब ये आपकी लाइफ है तो आप अपनी लाइफ से रिलेट करके देखें कि कौन सी वो ऐसी चीज़ थी। हालांकि एनर्जी वाइज ज़्यादा रिलेशनशिप्स की दिख रही है, यहाँ मुझे काम की नहीं दिख रही, बट ज़रूरी नहीं है कि सब एक्वेरियस की लाइफ में सेम फेज हो। सो ये उस एक्वेरियस के लिए है जिसके लिए जो मुझे दिख रहा है कि जिसे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते थे, या जिसे आप पाना चाहते थे, या जो आपकी लाइफ का एम था, आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। एक बात कि आप या तो उस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थे, या आपकी उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आई थी। आप मई महीने में उसके अंदर जो कि है आपके लिए भविष्यवाणी, वो ये है कि आप उस सिचुएशन से खुद को इमोशनली डिस्टेंस करेंगे। आप अपने आप को वहाँ से निकाल के लाइफ को एक दूसरी तरफ लेके जाते दिख रहे हैं। आपने शायद अब मई में कहा है कि बहुत हुआ भाई स्ट्रेस, बहुत हुआ थर्ड पार्टी गेम, अब मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। सो मुझे अगर ये पर्सन, अगर ये चीज़, अगर ये मेरा गोल पूरा नहीं हो रहा, तो मैं इससे अपने इमोशंस तो नहीं बांधने वाला। यहाँ से निकलकर मैं अपनी लाइफ को एक दूसरी तरफ, एक दूसरे रास्ते पे लेके जाना चाहता हूँ, पर मुझे इसके साथ इमोशनली तो इन्वॉल्व नहीं होना। सो ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि आपकी मैं रीडिंग करती आई हूँ और आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं इमोशनली एक्वेरियस पिछले कुछ टाइम से, बट ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मुझे दिख रहा है कि आप मई मंथ में करने वाले हैं।
सेकंड देखते हैं, सेकंड भविष्यवाणी क्या दिख रही है अक्वेरियस के लिए। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, यानी कि किसी एक चीज को खत्म करना और एक नई चीज को, एक नए फेज को, एक नए काम को, एक नई लाइफ को स्टार्ट करना। अब हम देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं ये किस तरह से आपसे वैलिड होगा, ठीक है। सो टेम्परेंस का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। देखिए अक्वेरियस बहुत ही, मतलब दोनों के दोनों जो आपकी भविष्यवाणी है वो आपस में मिल रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें, पहले में आप जिस चीज के पीछे जबरदस्त तरीके से भाग रहे थे, या आपको लग रहा था कि ये तो मुझे मिलना ही है, ये तो मेरा ही है, बट वो नहीं मिल रहा, बट वो नहीं हुआ, तो आपने अब मई में ये फाइनल डिसीजन लिया कि मुझे उससे अलग होना है। आप की जो सेकंड भविष्यवाणी है वो भी फर्स्ट से ही रिलेटेड है कि आप उसे खत्म करेंगे, अपने आप को दोबारा से, अपनी लाइफ को, अपनी उस लाइफ की चीज को एक रीस्टार्ट देने का मौका देंगे। आप खुद को बैलेंस करेंगे, अपने इमोशंस को, माइंड को, बॉडी को, स्पिरिट को, हर चीज को, जो कि अभी तक शायद बहुत डामाडोल और हिलडुल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, आप उसे संभालेंगे, अपनी पावर में आएंगे। जहां अभी तक आप शायद दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये मुझे संभालेगी या ये मुझे संभालेगा, नहीं बाबा नहीं, अब मुझे खुद को संभालना है। आप ये बात, ये कम्युनिकेशन लोगों के साथ, उस पर्सन को, उस ऑफिस को बहुत क्लियर बोल देने वाले हैं कि देखो जी देखो, अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो अब आप मुझे मूव ऑन करने की एनर्जी में दिख रहे हैं, आप जबरदस्ती स्टक नहीं रहने वाले उसी पर्सन के साथ, या उसी ऑफिस में, या उसी करियर में, उसी सिचुएशन में आपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सो मे मंथ आपके लिए एक नई बिगनिंग, एक नई स्टार्ट का है, जिसमें आप खुद को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो ये सबसे बड़ी दो भविष्यवाणी अक्वेरियस के लिए दिख रही हैं। आपके लिए मूनोलॉजी से मैं कार्ड निकालूंगी कि डिवाइन आपको क्या कहते हैं, किस तरह से आपको आगे चलना है, क्या करना चाहिए, सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन अक्वेरियस। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, जो भी है, बहुत ज़्यादा हार्श मत हो जाइए और उन चीज़ों का अपने ऊपर असर मत डालिए, यही आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। वो तो आपके कार्ड्स में ही दिख गया कि एक टफ साइकिल जिससे आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुजर रहे थे, ज़बरदस्त तरीके से आप स्ट्रेस्ड थे, आपने अब हाथ खड़े कर दिया और आपने डिसीजन ले लिया, मुझे अब और नहीं भुगतना, वो तो मुझे दिख ही रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अपनी जो जो आपने लाइफ में अपने लिए सपने देखे हैं, उनमें विश्वास रखें, उन्हें बनाए रखें, किसी के लिए उन सपनों को मत तोड़े, ना ही ये सोचे कि नहीं वो नहीं रही या वो नहीं रहा तो अब मेरी लाइफ का क्या होगा, या ये चीज़ मेरी जीवन में, ये वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ होता है, हर एक चीज़ का अल्टरनेट है, हर एक चीज़ का रिप्लेसमेंट है, हर एक चीज़ के बिना इंसान अपने बड़े से बड़े गम को, बड़े से बड़े ज़ख्म को भर लेता है वक्त के साथ। तो ये आपको समझना होगा, अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो वक्त समझा देगा। सो ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, आई होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हो। रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।